गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ओरन के व्लॉग। आज एक काफ़ी रोमांचक दिन होने जा रहा है कि आज के दिन का आगाज़ करेंगे आर्या की स्विमिंग क्लासेस लेसन से सबसे पहले, और उसके लिए देर हो रही है, बिल्कुल टाइम नहीं है। मिलते हैं रोड पे। फ्राइडे का दिन है और हम लोग जा रहे हैं ग्रिफिथ, क्योंकि ग्रिफिथ एक घंटा दूर है यहाँ से। पहले भी मैं आप लोगों को अपनी एक आधी वीडियो में लेके जा चुका हूँ, लेकिन ग्रिफिथ जाने का रीज़न ये है कि वहाँ पे आर्या का स्विमिंग लेसन होता है। काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं कि यार अभी शी इज़ ओनली 9 मंथ्स ओल्ड और आप लोगों ने अभी से उसको स्विमिंग लेसन में डाल दिया, इतनी सी बच्ची को अभी से स्विमिंग सिखाने का क्या फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना भाई, वो एक आइलैंड है, बहुत बड़ा आइलैंड है, लेकिन है एक आइलैंड, चारों तरफ पानी है। लकीली मुझे तो स्विमिंग आती है, लेकिन यहाँ पे जिसको स्विमिंग नहीं आती ना, दे गेट पिक्ड ऑन, क्योंकि इसकी वजह यह है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट हर किसी को स्विमिंग आती है। स्विमिंग यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो हर किसी को आनी चाहिए, क्योंकि जब आप बीचेस पे जाते हैं, 12,000 से ज़्यादा बीचेस हैं ऑस्ट्रेलिया में। अब वहाँ पे अगर आप बीच में जाके किनारे पे बैठ के छप 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 कर रहे हैं ना, दैट विल लुक फनी। सो इट्स बेटर इफ़ यू आर गोइंग टू द बीच, यू बेटर स्विम। बच्चों की आई थिंक इसी एज से कोई ना कोई एक एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे कुछ ना कुछ उससे लर्न करते रहें। सो दैट्स द ओनली रीज़न, यू नो, आई रियली वॉन्टेड हर टू डू समथिंग which I have not. She is 9 months old. By the time maybe वो थोड़ी सी और बड़ी हो, उसको शायद स्विमिंग याद रह जाए, लेकिन उसको ये याद ना रहे कि उसने स्विमिंग लेसन्स लिए हैं। बट who cares? वो मेरा ये व्लॉग देख के ज़रूर उसको ये याद रहेगा कि डैडी ने उसको स्विमिंग लेसन्स भी करवाए थे। से डैडी, आर यू एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू द स्विमिंग लेसन्स? My princess is very happy. Swimming lessons. How was it? Was it good? Hey, eh? Was it good? Had too much fun, did you? आर्या का स्विमिंग लेसन हो गया है कंप्लीट। आज के दिन भी मतलब बहुत तेजी से गुजरने वाला, ऐसे ही गुजरते हैं यार डे ऑफ, क्या करें। दिस इज द एडल्ट लाइफ, यू नो। जब हम बच्चे होते हैं, हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब हम जल्द से जल्द बड़े हो जाएंगे। जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वो बचपना बड़ा याद आता है, जहाँ पे बेफिक्री होती है, कुछ यू नो आज़ादी होती है। ऑस्ट्रेलिया में आके अगर आप देखें तो हर कोई जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है। दैट्स वाई आई थिंक यहाँ का एवरेज लाइफ स्पैन भी 85 ईयर्स ओल्ड है। यहाँ पर आपको 72 ईयर्स की एज में रिटायर कंसिडर्ड किया जाता है। मतलब आप जब भी अपनी पूरी लाइफ ऑस्ट्रेलिया में, आप जब भी काम शुरू करते हैं, मोस्टली जो यू नो ऑस्ट्रेलिया में बच्चे होते हैं वो 14-15 साल की एज में काम शुरू कर देते हैं मैकडोनल्ड्स पे, टेक अवेज में। तो जब भी वो काम करते हैं तो उनकी जितनी भी सैलरी होती है उसका 10% उनका एम्प्लॉयर एक अलग बैंक अकाउंट में जमा कराता रहता है, जिसको कहते हैं सुपर एनुवेशन। सुपर एनुवेशन का चक्कर ये होता है कि वो आपका रिटायरमेंट फंड्स होते हैं, वो उसको सुपर एनुवेशन या पाकिस्तान में जिस तरीके से एक तरीके से प्रोविडेंट फंड होता है, लेकिन वो एक कंपनी के पास जमा होता रहता है। आप नो मैटर व्हाट, आप जितने भी अपने एम्प्लॉयर्स बदलते रहें, जॉब्स चेंज करते रहें, जो भी आपको जितनी भी सैलरी देगा उसका 10% जाके सुपर एनुवेशन के तौर पर जमा होता रहेगा। जब आप 72 ईयर्स की एज में पहुँचते हैं तो वो आपको रिटायर कंसीडर करते हैं, और उसमें से आपको या तो लमसम में एक पेमेंट मिल जाती है पेंशन के तौर पे, वो एक काफ़ी बड़ा बिग पे आउट होता है, या तो जो है वो आप उसको वीकली या मंथली जिस तरीके से भी आप चाहें विड्रॉ करा सकते हैं। मैं हंस इस बात पर रहा हूँ कि हम पाकिस्तानी जो लोग हैं ना भाई, वो 72 की एज जो 72 बर्थडे उनकी आती है ना, वो उनके मरने के 10 साल बाद आती है। यहाँ पे तो अपना एवरेज लाइफ स्पैन ही ज़्यादा 50-55-60 साल, 60 साल एट मैक्स है। तो कभी कभी सोच के ऐसी आती है यार
कि यहाँ पे हमारा जो रिटायरमेंट की जो भी हमारे पैसे हैं वो हमें 72 के बाद मिलेंगे, तो देर इज़ नो वे कि वो हमें मिलें बाय द साउंड ऑफ इट, क्योंकि यू नो अल्लाह ताला जानता है कि किसकी कितनी ज़िंदगी है, लेकिन एक एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो है ना वो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है। तो बचपन से ही अगर आपको, लेकिन अगर आपको नहीं मिला तो आप अपनी कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को एक हेल्दी लाइफ स्पैन दें, ताकि आपके बच्चे अपने रिटायरमेंट फंड्स को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकें। आज का उसके अलावा सीन कुछ इस तरीके से कि अभी यहाँ से यू नो आर्या अभी चेंज कर रही है, उसको थोड़ी सी यहीं ग्रिफिथ में ग्रॉसरी शॉपिंग वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद हमें जाके घर जाके मुझे बनानी है मंदी। मैंने दो गोट की लेग्स रखी हुई हैं जिसकी मैं आज बेहतरीन मंदी बनाने वाला हूँ। मेरा दोस्त जो है वो उवैस अहमद, जो किन्नू फार्मिंग का जो मैंने ब्लॉग बनाया था, वो आज हमें ज्वाइन करेगा। और भी काफ़ी सारे दोस्त आएंगे तो हम लोग मंदी बनाएंगे। उवैस जो है वो काफ्ता कबाब बहुत अच्छे ज़बरदस्त बनाता है अंगीठी के ऊपर, वो बनाएगा। तो आज एक छोटा सा हमने गेट टुगेदर दोस्तों का प्लान किया है, हम बैठ के यू नो साथ डिनर करेंगे और दैट्स इट। आज का दिन इस तरीके से गुजरेगा, तो इस वीडियो में भी आपको मैं अपने साथ ही रखूँगा।